राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। राजस्थान की कई ऐसी विधानसभा हैं जहां विधायक एवं मंत्रियों का पुरजोर तरीके से विरोध एवं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर बात भरतपुर विधानसभा की करें तो यहां से डॉक्टर सुभाष गर्ग विधायक हैं, जो कि सरकार में राज्य मंत्री के पद पर पिछले 5 साल से आसीन हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर सुभाष गर्ग का विरोध देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आवासहीन लोगों ने भी मंत्री के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर सुभाष गर्ग पर भेदभाव करने के आरोप लगे थे। अब कच्चा परकोटा संघर्ष समिति ने भी डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खास बात यह है कि संघर्ष समिति में आमजन के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसी भी डॉक्टर सुभाष गर्ग पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों का कहना है कि इन 5 सालों में मंत्री ने सिर्फ अपना और अपने समर्थकों का ही ध्यान रखा है, ना कि भरतपुर की जनता का। देखिए पूरी रिपोर्ट। उस कमिश्नर को पत्ते देने से किसने रोका? किसने रोका? आपने रोका। 24 सितंबर को आपने फोन किया क्या? अभी इनके पत्ते होल्ड करके रखना है किसके लिए? आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि मेरे पत्ते का आदेश कराए। अरे पत्ते के आदेश कराए तो 3 जगह के पत्ते कैसे रहेंगे? आपको ध्यान होगा नीम दरवाजे की भोज, जिससे भोज के बीच में होके नाला निकाला जा रहा था। संघर्ष समिति ने कब प्रयास किया नाले को डायवर्ट किया। आज उन लोगों को पट्टे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। अगर समय रहते इस काम को मंत्री जी करते तो आज उन लोगों को पट्टे की श्रेणी में खड़ा होना था। किस बात की कहूं? अगर आपने पट्टे का प्रयास किया होता तो 2 साल पहले ही 2 अक्टूबर 2021 के बाद कच्चे परकोटे लोग रहने वाले लोगों को पट्टे मिल गए होते। ये तो अच्छा हुआ कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव आ गए। डंडा की एकता को तोड़ने का आपने प्रयास किया, डंडा की एकता नहीं टूटी। आपको दिख रहा था कि 20,000 वोट मेरे हाथों से खिसक जाएगा, मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। कम मजबूर होकर इस संगठन की मजबूती को देखकर आप घर घर पट्टा बांट निकलने के लिए, इसके लिए आप सही बधाई के पात्र हैं। उस समय वचन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, नगर निगम की कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं रही जिसमें हमने इस बात को, क्योंकि भूरा भैया की कमी हमें उस समय कहीं के एक आदमी, चाहे नगर निगम में सरकार की तरफ से नॉमिनेट होते हैं, जो कोई आदमी रह जाता है राजनीति में, तो एक मजबूत आदमी जो नगर निगम का सही संचालन कर सके वो आदमी नगर निगम में आना चाहिए, जिससे भरतपुर की तकदीर बदलने में बहुत बड़ा इस नगर निगम का जो सार्थक उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। लेकिन हमारा भाई सरकार के द्वारा भी नॉमिनेट इन्हीं कारणों से और इन्हीं लोगों ने नहीं होने दिया, उस बात का भी हमें बहुत मलाल है। हमारे दिल में ये टीस है कि इस राजनीति, कांग्रेस की जो राजनीति को हमने NSUI से लेकर, युवा कांग्रेस से लेकर, प्रदेश कांग्रेस से लेकर, जिला कांग्रेस से लेकर और महाराष्ट्र साहब की अगुवाई में हमने जो इस राजनीति को हमने किया, NSUI के अध्यक्ष महाराष्ट्र साहब ने हमको बनाया था उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट था हमें, तो ये हमारी एक इच्छा थी कि इस कांग्रेस के जो मिशन में हम लोग लगे हुए हैं, तो हम हमारा जब एक आदमी जो सही मायने में नगर निगम का कायाकल्प कर सकता है, इस भरतपुर के विकास में गरीब तबके और कमजोर तबके को उनके हकों की लड़ाई के लिए जो वह लड़ सकता है, ऐसा नुमाइंदा हमारा राजस्थान सरकार की तरफ से नगर निगम में पहुंचे। लेकिन जाने क्या, भगवान जाने क्या उनकी राजनीति में आ जाता है। और इस बात भी सही है कि भाई भूरा भैया दमदार आदमी तो है ही है, ये बात तो है ही है। कई लोगों को इस बात का दर्द होता है कि भूरा अगर सदन में, जब पहले भी हमारे साथ सदन में रहा थे भूरा भैया, तो जब भूरा भैया हमारे भाई के जब मेयर रहे थे, तो हम सब जब उस समय सदन में बात करते थे तो उस समय भी जो बातें लॉजिकली बात होती थी, जो नियम की बात होती थी, तो पत्रावलियों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, किसी के पास भूरा भैया की बात का कोई जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाता था। इतना लॉजिकली, इतनी राजनीति में पकड़ है, कागज में पकड़ है, गरीब तबके की क्या भावना है,
गरीबों के साथ हम कैसे न्याय कर सकते हैं। और मैं बधाई दूंगा जो इनकी टीम है, हमारे चाचा जी और ये सारी जो टीम है कच्चे जन